ये नया बेटर नहीं लगता क्योंकि ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कल यो योहानी सिंह ने अपनी हनी 3.0 एल्बम की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके करते ही बादशाह भाई ने उन्हें पोक किया। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए भी आपको बताते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो योहानी सिंह की हनी 3.0 एल्बम, जो की 9 साल बाद ये योहानी सिंह कोई एल्बम ड्रॉप करने जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। वहीं आप सभी को बता दें कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जो योहानी सिंह के कम्पिटिटर साजो की अपनी हरकत से कभी भी बाज नहीं आते हैं, और वह आए दिन हमेशा यो योहानी सिंह को पोक करते रहते हैं। जहां पर यो योहानी सिंह के अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने अभी रिसेंट में कुछ घंटों पहले एक स्टोरी डाली हुई थी, इस स्टोरी को तो उन्होंने डिलीट कर दिया है, जिससे समझ में आता है कि उन्होंने पोक किया। एंड साथ ही एक स्टोरी और उन्होंने डाली हुई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप सामने देख सकते हैं, जो कि लगातार बादशाह अपनी हरकत से कभी भी बाज नहीं आ सकते हैं, वो चीज हमेशा वो प्रूव करते रहते हैं। मतलब कि इतने बड़े आर्टिस्ट और मेच्योरिटी नाम की कुछ भी एक चीज नहीं है, और बादशाह के फैन इंतजार करते हैं कि बादशाह और यो योहानी सिंह एक साथ कब आएंगे। जब इस तरह से बादशाह हमेशा पोक करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी भी इन दोनों का कोलैब होगा? मैं तो कहीं भी नहीं लगता है। और जिन लोगों का ड्रीम है कि बादशाह और यो योहानी सिंह को एक साथ देखेंगे, वो ड्रीम ही रह जाएगा। फिलहाल आप सभी बताएं कि इन सभी चीजों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट से समझ जरूर लिखें। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।